उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डिंपल यादव अब मुलायम सिंह की विरासत की वारिस बन चुकी है। डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को हराया है, तो वहीं डिंपल यादव ने करीब 2,40,000 वोटों से अपनी जीत जो है वो की है। और वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में क्या कुछ अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी की जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर कहीं ना कहीं नाचते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी कहा जाता है कि मैनपुरी में लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, 1 लाख के आसपास बढ़त दिखाई दे रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है और यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार कार्यकर्ता यहां डांस करते नजर आ रहे हैं। डिंपल यादव की तस्वीर लिए हाथ में, कहीं ना कहीं जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और लगातार यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। मिठाई खिलाई जा रही है, दूसरे सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं। एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश, भारी जीत के लिए खुशी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जश्न मनाते जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरह से बढ़त हुई है वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है और कार्यकर्ता यहाँ साफ तौर पर नाचते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की मतगणना चल रही है और मतगणना में लगातार समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर बढ़त बनाए, डिंपल यादव 2 लाख का आंकड़ा जो पार कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी में डिंपल यादव जी 2 लाख वोटों से अधिक वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। ये जनता की जीत है और ये जनता के पैसे पर जो कनाडा घूमने के लिए गए हुए हैं उस जालिम सरकार की ये पराजय है। 2024 में जो चुनाव होने हैं उसका आगाज मैनपुरी के लोगों ने कर दिया है। मैनपुरी की जनता ने 2024 के लिए शंखनाद कर दिया है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। शिवपाल यादव की अहम भूमिका रही मैनपुरी में, आप उनको तोहफे के तौर पर कह सकते हैं, पार्टी विलय हो गई है, आदित्य यादव ने अपना झंडा बदल दिया, शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की झंडा थाम लिया। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने शिवपाल यादव जी ने विधिवत रूप से अपने पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। उनके समाजवादी पार्टी में आने के बाद पार्टी की लहर और आंधी और तेज चलने का काम होगा और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने में उनका पार्टी में आना एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम करेगा और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। हम लोगों का ये प्रयास है कि भाजपा के विरोधी वोटों के बंटवारे को रोका जाए और उस बंटवारे को रोक लेंगे तो केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा शिवपाल यादव का पार्टी में विलय होने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी को और तेज गति मिलेगी और कहीं ना कहीं 2024 में दोनों ही मिलकर एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ साज में जितेंद्र सिंह, एएनबी।